वेलकम बैक इन कैरियर वर्ल्ड एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन सपोर्ट। मैं हूं राहुल कुमार, जो कि आप लोग के लिए लाता हूं बेस्ट एजुकेशनल एंड टेक्निकल टिप्स। अगर आप न्यू विजिटर हैं या फिर रेगुलर हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत सारे एजुकेशनल एंड टेक्निकल टिप्स लाता रहूं और आप लोगों को लाभान्वित करता रहूं। चलिए आइए तो देखते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में साइंस बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 10th के साइंस में पूछे गए सेकेंड सेटिंग के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किया है, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और इसमें मैंने फुल एनालिटिक सॉल्यूशन किया है कि आपने जो एग्जामिनेशन में बनाया है वो आके आप मिला लें कि आपका कितना है आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, और मैं सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करके दूंगा तो आपकी उत्सुकता थोड़ी कम हो सके। इसकी मैंने की है कि मैं आपको आपकी थोड़ी सी सहायता कर सकूं। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो, शुरू करते हैं। वेलकम बैक इन कैरियर वर्ल्ड एजुकेशन हब ऑनलाइन सपोर्ट। मैं हूं राहुल कुमार और यहां हमारे पास है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सेकेंड सिटिंग में पूछे गए साइंस का क्वेश्चन, जिसका मैं आपको सॉल्यूशन करने वाला हूं। ये क्वेश्चन पिछले सेट के अकॉर्डिंग और भी ठीक तरीके से मैंने सॉल्व किया है और इसमें बताया है कि किस तरह से आप कौन सा आंसर मारेंगे। देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की वृत्ताकार सीमा क्या कहलाती है, मैंने बताया है। ये देखिए, गोलीय दर्पण है, इसका ये जो परावर्तक सतह है उसका जो व्यास है उसको द्वारक कहा जाता है। सो गोलीय दर्पण का द्वारक राइट आंसर होगा पहला का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। मैं बताना चाहता हूँ उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो 32 का आधा 16, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक, देखिए मैं बताना चाहता हूँ आवर्धन ऋणात्मक कब बनेगा। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर रखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव में, तो आवर्धन ऋणात्मक है डेट मीन्स कि नीचे बना है हमारा प्रतिबिंब, डेट मीन्स प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, ऑप्शन नंबर ए, तो थर्ड का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश प्रावर्तन कॉर्निया के बाहरी भाग में होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, फोर का एकदम राइट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का के प्रकाश का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, नीला, और यही कारण है कि हमें जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है, यही कारण है आसमान का नीला दिखाई देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में जो आवृत्ति है धारा की वो 50 हर्ट्ज जाती है और रेयर कंडीशन में 60 हर्ट्ज जाती है, तो यहाँ बेस्ट सुटेबल आंसर ए है, तो मैंने ए मारा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि 0 से लेके 1 तक 20 विभाजन चिन्ह, तो क्या करेंगे, 1 वोल्ट से 0 वोल्ट को घटाएंगे तो 1/20 कर देंगे तो 0.05 वोल्ट आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर है। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये तो बिल्कुल हल्का है, माइक्रो मतलब होता है ये 10^-6, तो बोल रहा है 1 माइक्रो एम्पियर निम्नलिखित में से कौन सी है, तो 10^-6, ऑप्शन नंबर सी 8 का। नेक्स्ट है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो देखिए इस तरह से जब आप इसको मतलब पाड़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे ऐसे निकलती है, इधर से जाती है इस तरह से, क्रॉस नहीं करती है सॉरी, तो इस तरह से, और अंदर में क्या होता है नॉर्थ से साउथ एकदम सीधा जाती है, तो ये होगा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, 9 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है, ओके काला होता है उदासीन तार का रंग घरेलू परिपथों में, ऑप्शन नंबर सी 10 का। अगला जो क्वेश्चन, विभक्त बलय दिक परिवर्तन का कार्य करते हैं विद्युत मोटर में, आप विद्युत मोटर जाके नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पे दिक बलय मिल जाएगा जो कि मतलब विभक्त बलय मिल जाएगा जो कि दिक परिवर्तन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र, इसमें क्या होता है कि एक बांध बना देते हैं, आने वाला पानी बिल्कुल वहाँ पर एकदम सेंगर जाता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा वहाँ उसका हम यूज करते हैं, स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए हम उपयोग करते हैं, 12 का क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के बुंदेल शहर नामक जिला में है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना, ये देखिए पिछले सेट में भी पूछा गया था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH का होल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक को हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा, ये कौन सी अभिक्रिया, देखिए इसमें जिंक जो है जो कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर रही है, तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो मैं बताता हूँ नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल, और अम्ल का यहाँ जो संभवतः पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, टमाटर में साइट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, और सिरका में भी शायद साइट्रिक होता है, तो संतरा में बहुत सारा अम्ल पाया जाता है, संतरा में मैलिक भी पाया जाता है, साइट्रिक भी पाया जाता है, और ऑक्जेलिक के भी अंश होते हैं, तो संतरा इसमें बेस्ट ऑप्शन है, 17 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वह निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक क्रियाशील है? तो पोटेशियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है, इसका सिंबल के होता है। एक्वारेजिया में जो होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का रेशियो 3:1 होता है, देखिए इसमें जब पहले क्वेश्चन देता था उसमें नाइट्रिक पहले और हाइड्रोक्लोरिक बाद में देता था, तो 1:3 होता था, बट इसमें हाइड्रोक्लोरिक पहले और नाइट्रिक बाद में दिया है, तो 3:1 होगा एक्वारेजिया में। चलिए ये सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड्स का है, क्वेश्चन नंबर 20 का डी सिंपल क्वेश्चन है, सिंगल बाउंड CHO एल्डिहाइड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंध है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रोपेन जो होता है, देखिए यहाँ पे मैंने बना के रखा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया हाइड्रोजन का और 2 पीस हो गया कार्बन के बीच, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा कि 10 सहसंयोजक बंध, 8 कार्बन के बीच और सॉरी 8 हाइड्रोजन के बीच और 2 कार्बन के बीच, तो 8 2 10 सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज जो है जो घटता है, आप देखेंगे नीचे से बड़ा छोटा 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 ऐसे ऊपर जाएगा, और दाहिने बढ़ेंगे तो और ज्यादा छोटा होता जाता है, तो यहाँ पे परमाणु साइज घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उद्धरव स्तंभ यानी कि कितने ग्रुप हैं? तो ग्रुप हैं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट में जब सार्वभौम सूचक क्या है? यूनिवर्सल सूचक, मतलब बहुत सारे सूचकों को मिला के ये बनाया हुआ होता है, तो ये जो है जो सोडियम बाइकार्बोनेट जब इसमें डालते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में जब इसको डालते हैं तो ये उसके रंग को नीला कर देता है, सो क्वेश्चन नंबर 21 का ए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट इसमें नीला ही ऑप्शन सही होगा, मैंने किया है इस पर देखा और नेट पे भी इसको सर्च किया तो नीला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो ये नीली ज्वाला के साथ जो है जो जलता है तो और सफ़ेद चूर्ण बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, जब जात परख नली के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि उसमें होता है ना कॉपर सल्फेट का, ब्लू विलियन में जब लोहे की कील डाल देते हैं आप तो विलियन हरा हो जाता है, तो इसमें कॉपर सल्फेट होगा, पूछ रहा है कौन सा विलियन था, तो कॉपर सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो रक्तदाब हमारा मापता है स्फाइग्नोमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी 27 का। 28, प्लेटलेट्स, विटामिन के और प्लेटलेट्स हैं जो रक्त का थक्का जमने में सहायता प्रदान करते हैं, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवट्टु ग्रंथि में थायरोक्सिन, देखिए इसमें बहुत सारे अवट्टु ग्रंथि में थायरोक्सिन बनने के लिए बहुत सारा है, आपका आता है आयोडीन, आता है सोडियम, आता है बहुत सारा, 5 6 7 8 प्रकार का होता है, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सबसे सुटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में मस्तिष्क का कौन सा भाग स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क, इसको सेरेवेलम भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, साइटोकाइनिन हार्मोन जो है, देखिए मैं इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो जड़ यानी रूट और सूत यानी कि जड़ और उसके ऊपर के भाग में कोशिका विभाजन करके वृद्धि करता है, तो देखिए यहाँ जो हमारा सूत दिया हुआ है प्ररोह के अग्रभाग में वृद्धि करता है, बट इसकी वजह से तना में भी वृद्धि होता है, और उसके बाद प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, तो एक मिनट में आपको बता देना चाहता हूँ, प्रकाश की ओर पौधा कब मुड़ेगा? जब वो वृद्धि करेगा, डेट मीन्स तीनों ही बात वृद्धि के लिए की जा रही है, सो डेट मैंने इसमें ऑप्शन नंबर डी मारा है, बट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है, सो आप अगर इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट मैंने अपने हिसाब से सही किया है, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका मैंने डी मारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 32 है, हाइड्रा में प्रजनन, देखिए अभी पिछला सेट में मैंने किया था कि मुकुलन जो था, बताया था मैंने कि एक कोशिकीय जीव ईस्ट में होता है और बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा में होता है, तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है वो मुकुलन है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर, इसको अस्टेमेंस भी कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में कौन सा, मतलब मादा में नहीं होता यानी कि लेडीज में कौन सा पार्ट नहीं होता है फीमेल में, तो शुक्रान, मतलब इसमें शुक्रवाहिका दिया है, वैस
शुक्रवाही का दिया है, तो शुक्राणु नहीं होता है लेडीज में, तो शुक्रवाही का कोई काम नहीं। ऑप्शन नंबर सी, वंशागत नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया था, वही जो बीन्स वगैरह वाला जो था उसमें पीस वगैरह, तो मेंडल ने किया था। उसके बाद स्त्रियों में, ये भी देखिए पिछले सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्त्रियों में मैंने बताया था कि केवल डबल एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है, तो स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाया जाता है उसमें डबल एक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी, मंड परीक्षण किया जाता है स्टॉर्च के लिए, है ना, स्टॉर्च का पता लगाने के लिए, तो उसमें हम क्लोरोफिल को रिमूव करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, 37 का ऑप्शन नंबर बी। और ये जो क्वेश्चन है, ओहो बहुत ही मतलब इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें 10x होगा, 10x पे लेते हैं, ये प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, 38 का ऑप्शन नंबर बी 10x होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 39, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं और आहार श्रृंखला का निर्माण करता है घास, बकरी और मानव, कैसे, मैं बता देना था चाहता हूँ, बकरी घास खाती है, मानव बकरी खा सकता है, लेकिन इसमें देखिए कुछ नहीं होगा, गेहूं घास थोड़ी खाएगा, नहीं गलत, गाय बकरी थोड़ी खाएगी, गलत, बकरी घास खाएगी, लेकिन मछली बकरी थोड़ी खाएगी, तो गलत, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। चलिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, कल मैथ का सॉल्यूशन भी मैं शाम में लोड करूंगा एग्जामिनेशन के बाद दोनों सेट्स का, ताकि आप मिला लें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बेस्ट वीडियोज़ पाते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।